हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ फ़िलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में वो सीरीज़ ज़रूर हेल्पफुल होगी आज हम डिस्कस करेंगे फ़िलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर नाइनटीन पार्ट टू इस चैप्टर के अलावा फ़िलिप कोटलर की बुक के आठ चैप्टर्स ऑलरेडी मेरी मार्केटिंग की प्ले में अपलोडेड हैं आप उनको वहाँ से देख सकते हैं वहाँ मैंने उन आठ चैप्टर्स को लाइन टू लाइन डिटेल में कवर किया है और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चैप्टर नंबर नाइनटीन हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कॉम्युनिकेशन्स अगर हम डिजिटल कॉम्युनिकेशन के मेथड्स की बात करें तो फ़िलिप कोटलर की बुक में आप तीन तरीके से अपनी कॉम्युनिकेशन को डिजिटली टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं वो तीन तरीके हमारे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया या फिर मोबाइल ये तीन मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने डिजिटल कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक को हमने स्टार्ट कर रखी है ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है फिर हमने तीन टाइप के जो मीडिया हैं पेड मीडिया अर्नड मीडिया और ऑन्ड मीडिया ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था पार्ट वन में आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है और उसका भी जो हमारा फर्स्ट मेथड है ऑनलाइन मार्केटिंग उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये हम आज के पार्ट में कवर करेंगे फोर ऑफ द मेन कैटेगरीज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच विल डिस्कस हेयर ये कह रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग भी अगर आपको करनी है तो ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए भी कंपनीज के पास कितने ऑप्शन हैं फोर फोर ऑप्शन कौन से कौन से हैं पहला है वेबसाइट दूसरा है सर्च एड्स, तीसरा है डिस्प्ले एड्स और फोर्थ है ईमेल। तो अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग भी करनी है तो आपके पास फोर ऑप्शन हैं। वेबसाइट बना सकते हैं अपनी सर्च एड्स दे सकते हैं डिस्प्ले एड्स दे सकते हैं या ईमेल्स के थ्रू ये चार मेथड्स हमारे आते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर और ऑनलाइन मार्केटिंग खुद किसके अंडर आता है डिजिटल कम्युनिकेशन के अंडर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो तीन तरीके हैं ऑनलाइन कर लो सोशल मीडिया के थ्रू कर लो या मोबाइल के थ्रू कर लो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए कंपनीज के पास फिर फोर ऑप्शन है वेबसाइट्स के थ्रू सर्च एड्स के थ्रू डिस्प्ले एड्स के थ्रू ईमेल एड्स के थ्रू आई थिंक अब आपको कंटेंट समझ आ गया होगा कि कैसे हमारी हाइरे बनती जा रही है और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग में हम इन चार ही मेथड्स को डिस्कस करेंगे क्लियर द वेराइटी ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑप्शन मीन्स कंपनीज कैन ऑफर और सेंड टेलर्ड इंफॉर्मेशन और मैसेजेस दैट एंगेज कंज्यूमर्स बाय रिफ्लेक्टिंग देयर स्पेशल इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ये कह रहा है जो भी वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं वेबसाइट है सर्च एड्स हैं डिस्प्ले एड्स हैं ईमेल्स हैं ये क्या कर सकते हैं कंपनीज को एक हम कह सकते हैं एडवांटेज देते हैं कि कंपनी अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट और उनके स्पेशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को टेलर कर सकती है उनको सेंड कर सकती है फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो वेबसाइट पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं डिस्काउंट के प्रोडक्ट्स चाहिए न्यू अराइवल्स आपको चाहिए या अंडर 99 जो आर्टिकल्स हैं वो आपको चाहिए या आपको वुमेंस वियर में चाहिए या आपको मैंस वियर में चाहिए तो आपके पास ना है ना वहाँ कैटेगरीज हैं वहाँ आपके पास इन्फॉर्मेशन या जो मैसेज है वो स्पेशल इंटरेस्ट और जो टारगेट का बिहेवियर है कंज्यूमर्स का उसको ध्यान में रख रख के आप अलग से अलग अलग इंफॉमेसन को या अलग अलग मैसेजेस अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए कन्वे कर सकते हैं या फिर अगर हम बात करें ईमेल्स की तो ईमेल में भी आप अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जो उनका इंटरेस्ट है जो बिहेवियर है उनके अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन के मैसेजेस को या इन्फॉर्मेशन को बना सकते हैं और उनको सेंड कर सकते हैं तो क्लियर एक एडवांटेज तो हमारा क्या है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ऑप्शंस में कि हम अपने कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग अपने इन्फॉर्मेशन को और मैसेजेस को बना सकते हैं और सेंड कर सकते हैं क्लियर कि उनका टेस्ट या उनका इंटरेस्ट कैसा है उसके बाद है ऑनलाइन मार्केटिंग कॉम्युनिकेशन हैव अदर एडवांटेजेस तो ये जितने भी चारों मेथड्स हैं ऑनलाइन के ये चारों ही आपको क्या क्या एडवांटेजेस देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की हम बात करें मार्केटर्स कैन ईजिल ट्रेस देयर इफेक्ट्स बाय नोटिंग हाउ मेनी यूनिक विजिटर्स क्लिक ऑन ए पेज और एड ये कह रहा है अगर मार्केटर्स को ये ट्रेस करना है कि उनकी जो एड है उस पर कितने यूनिक विजिटर्स आए हैं एक होता है जो आपके एग्जिस्टिंग विजिटर्स है क्या वो बार बार विजिट कर रहे हैं यूनिक कितने आए हैं उनसे अलग तो यूनिक जो विजिटर्स हैं हमारी एड पे या हमारे पेज पे हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हम बात करें सर्च ऐड की तो सर्च ऐड पे जितनों ने क्लिक किया होगा वो सारे क्या हैं यूनिक विजिटर्स हैं आपके नए विजिटर्स हैं जितना क्लिक आपके एक दिन में आए आप सोच के चलें कि वो यूनिक हैं उसके बाद अगर आप वेबसाइट्स पे देखेंगे तो वेबसाइट पे आपके पास डाटा कंट्रोल करने के लिए डाटा को आ, हम कह सकते हैं देखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप अपनी वेबसाइट पे वो सॉफ़्टवेयर लगा सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिक विजिटर्स कितने हैं ऐसे ही डिस्प्ले एड्स में जितनी क्लिक होंगी या जितनी बार आपकी एड देखी जाएगी आप नोट डाउन कर सकते हैं तो पहला एडवांटेज हमारे पास यही है कि मार्केटर्स इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि कितने यूनिक विजिटर्स उनके पेज पे या एड पे आए हैं हाउ लोंग देंड विद इट कितनी देर वो उनकी वेबसाइट पे या सर्च एड पे या डिस्प्ले एड को उन्होंने देखा है या मेल का रिप्लाई किया है ई मेल का तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं वट डिट डू ऑन इट वेबसाइट पे आके उन्होंने किस चीज़ को सर्च किया है आपने एक चीज़ देखी होगी आप जैसे अमेजोन पे जाते हैं फ्लिपकार्ट जाते हैं किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे जाते हैं तो जो एक बार आप सर्च करते हैं अगली बार जब आप जाते हैं ना तो आपको उसी चीज़ से रिलेटेड आइटम्स दिखाई जाएंगी अगर आप फ्लिपकार्ट गए और आपने वुमेन्स की ड्रेसेस देखी तो अगली बार जब आप जाएंगे ना तो वुमेन ड्रेसे के ड्रेसेस के ऑफर्स ही आपको मिलेंगे और अगर आपने मान लो शूज़ के बारे में देखा तो शूज़ की एड्स आपको मिलेंगी तो ये कहां से उन्हें पता चलता है वो अपनी जो वेबसाइट्स हैं या जो उनकी सर्च एड्स हैं उन पर देखते हैं कि कंज्यूमर ने कितना टाइम स्पेंड किया क्या क्या उसने किया वेबसाइट पे, किस किस चीज़ को सर्च किया किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है या उस कस्टमर का बिहेवियर कैसा है तो ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं मार्केटर्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन मेथड्स में वेयर दे गो आफ्टरवर्ड और अगर उन्होंने वेबसाइट पे विजिट किया या सर्च इंजन को देखा क्या सर्च इंजन पे हमारी सर्च ऐड को देखने के बाद क्लिक करने के बाद क्या वो हमारी वेबसाइट पे आए वेबसाइट पे आए तो वेबसाइट के बाद वो कहाँ गए क्या उन्होंने परचेज करा या सिर्फ अपनी एड टू कार्ट्स में डाल के छोड़ दिया डिस्प्ले ऐड में आए तो डिस्प्ले ऐड देखने के बाद क्या वो हमारी वेबसाइट पर आए तो ये सारी चीज़ें भी मार्केटर क्या कर सकता है ट्रेस कर सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मेथड्स में Clear? तो ये है हमारे एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो कि ऑनलाइन जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। द इंटरनेट ऑल्सो ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट विच मीन्स मार्केटर्स कैन बाई एड्स ऑन साइट्स रिलेटेड टू देयर ऑन ऑफरिंग्स ये कह रहा है इंटरनेट आपको एक एडवाटेज और देता है वो हमारी है कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट की कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट की क्या मतलब है कि जो साइट्स हमारे ऑफरिंग से मिलती जुलती साइट्स हैं हम उन पर भी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं अगर आपको कोई लगता है कोई वेबसाइट आपकी ही प्रोडक्ट या ऑफरिंग से रिलेटेड है तो आप उनको कांटेक्ट करके उनकी वेबसाइट पे भी अपनी आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं या अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं उनको कुछ अमाउंट पे करके तो कॉन्टेक्चुअल जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके कॉन्टेक्स्ट से मिलती जुलती कोई वेबसाइट है जिसके जो ऑफरिंग्स है वो आपसे मिलते जुलते हैं आपके रिलेटेड आइटम्स हैं तो वहां भी आप अपनी एड्स दे सकते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल हम दें यूज कार की कोई वेबसाइट है वहां आपको यूज कार मिलती हैं यूज कार के लिए इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ कहती हैं हम आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर देंगे उनकी वेबसाइट पे कोई नहीं जाता इंश्योरेंस की वेबसाइट्स पे आपने कभी बहुत रेयर लोगों को देखा होगा विजिट करते हुए तो इंश्योरेंस कंपनीज वालों का उन्हें पता चला कि जो ये यूज्ड कार की साइट्स हैं इनकी जो ऑफरिंग्स हैं उनते ही उनसे ही मिलता जुलता हमारा प्रोडक्ट है हमारा जो इंश्योरेंस है यूज्ड गाड़ियों के लिए हमारा जो इंश्योरेंस है वो किन से मिलता जुलता है यूज गाड़ियों के लिए तो हमारा आइटम इनकी ऑफरिंग से मिलता जुलता है तो उन्होंने अपनी जो इंश्योरेंस की एड है वो किस पे दे दी यूज कार वाली वेबसाइट पे कुछ अमाउंट पे करके वहां दे दी तो आप कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग्स की आपने प्रोडक्ट्स की आपके मिलते जुलते जो प्रोडक्ट्स हैं या ऑफरिंग्स हैं उन वेबसाइट्स पे दे कैन ऑल्सो प्लेस एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन की कस्टमर्स टाइप इन टू सर्च इंजन टू रीच पीपल वेन दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड द बाइंग प्रोसेस ये कह रहा है आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं किस बेस पे की वर्ड्स पर जो कस्टमर्स सर्च इंजन में डालता है जैसे मोस्टली आपको क्या लगता है जैसे ही हम गूगल पे जाते हैं अगर हमें फ़ोन लेना है तो हम या तो मोबाइल फ़ोन डालेंगे या फ़ोन्स डालेंगे या सैमसंग डालेंगे या जो भी मतलब ऐसा सेल फोन डाल देंगे तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं जो कंज्यूमर टाइप करता है सर्च इंजन्स पे जाके सर्च इंजन्स जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ गूगल हो गया याहू हो गया ऐसे तो इन चीज़ सर्च इंजन्स पे जो भी कीवर्ड्स आपको लगता है कि कस्टमर टाइप करता है जब वो बाय का प्रोसेस स्टार्ट करता है तो उस टाइप की एडवर्टाइजिंग भी आप प्लेस कर सकते हैं कीवर्ड्स के बेस पे आप उन्हीं की वर्ड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट सर्च एड्स लगा सकते हैं जो हमारी सर्च एड्स होती हैं अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब सर्च ऐड के टॉपिक्स में आएंगे कि सर्च एड्स में की वर्ड्स ही मेन रोल प्ले करते हैं जो आप ऐड देते हैं तो ऐड ये थोड़ी ना है कि मान लो उस बंदे ने सर्च किया मोबाइल और वहाँ एड चल रही है कार की कार की नहीं चलेगी अगर उसने मोबाइल सर्च किया है तो किसी मोबाइल कंपनी की ही ऐड वहाँ चलेगी तो वो किसके बेसिस पे सर्च की वर्ड के बेसिस पे कि किस की वर्ड को उसने टाइप किया है तो उस बेस पे भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग इंटरनेट या ऑनलाइन कर सकते हैं क्लियर तो ये हमारे पास हैं एडवांटेजेस ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन्स के फिर हमारे पास आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस गोइंग ऑनलाइन हैज़ डिसएडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स कैन इफेक्टिवली स्क्रीन आउट मोस्ट मैसेजेस ये कह रहा है ऑनलाइन जितने भी मैसेजेस हैं जैसे सर्च एड्स आती हैं या डिस्प्ले एड्स आती हैं कई बार कंज्यूमर्स उनको देखता भी नहीं है उनको स्क्रीन आउट कर देता है आपने भी देखा होगा गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं ऐड आ जाती है सर्च ऐड तो हम उस पर क्लिक नहीं करते हमें पता है वो ऐड है या डिस्प्ले एड जो आपको साइड में रेक्टेंगल बॉक्स टाइप में दिखाई जाती हैं हम उस पर भी क्रॉस का साइन आता है तो हम उसे क्रॉस कर देते हैं तो एक डिसएडवांटेज क्या है कंज्यूमर्स आपके मैसेजेस को इजीली स्क्रीन आउट कर सकते हैं लेकिन मान लो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो उसको अगर वो शो देखना है और बीच में एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो उसको वो देखना पड़ेगा क्लियर अगर कोई इवेंट चल रहा है इवेंट पे अगर कैमरा ने उसके ब्रांड के लोगों को 30 सेकंड के लिए 40 सेकंड के लिए टीवी पे दिखाया है तो टीवी पे जो इवेंट को देख रहे हैं उन ऑडियंस को वो लोगों 30 सेकंड के लिए देखना पड़ेगा वहां उनकी मजबूरी है वो स्क्रीन आउट नहीं कर सकते लेकिन ऑनलाइन जो मार्केटिंग के मैथड्स हैं हमारे पास या कम्युनिकेशन के मैथड्स हैं उनमें कंज्यूमर्स ईजिली मैसेजेस को स्क्रीन आउट कर सकते हैं आपको कट का ऑप्शन मिलता है क्लियर तो आप उनको एड को कट कर सकते हैं मार्केटर्स में थिंक देयर एड्स आर मोर इफेक्टिव देन दे रियली आर इफ बोगस क्लिक्स आर जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर पावर्ड वेबसाइट्स ये कह रहा है मार्केटर्स मतलब गलत सोच भी सकते हैं कि उनकी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत इफेक्टिव हैं हालांकि वो एक्चुअल में इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी क्यों क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप बोगस क्लिक्स करवा सकते हो जैसे अभी मैंने आपको बताया सर्च एड है या डिस्प्ले एड्स हैं तो सर्च ऐड में हमें पता चलेगा कि भी जिसने भी क्लिक किया उस पर हम उसी के लिए तो कंपनीज जो हैं गूगल है या याहू जो भी हमारी ऐड को आ, प्लेस कर रहा है उसको हम पे करते हैं पे पर क्लिक कि भी जितने भी लोग क्लिक करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग पे करते हैं तो ये जो क्लिक्स हैं हम सोचते हैं कि भी हमारे कस्टमर्स को हमारी ऐड पसंद आ रही है इतने सारे क्लिक्स हो रहे हैं लेकिन वो क्लिक्स फेक भी हो सकते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके फेक क्लिक्स को भी प्रमोट करता है फेक क्लिक्स आपके एडवर्टाइजमेंट्स पे आ जाएंगे उसकी वजह से आपको गूगल को या याहू को पे भी करना पड़ जाएगा सर्च इंजन्स को और आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी इफेक्टिव भी नहीं होगी इतने लोगों तक पहुंचेगी भी नहीं वो फेक क्लिक्स आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू दिख जाते हैं

क्लियर और इंटरनेट हर एक मार्केटर को किसी भी टाइप का वो मार्केटर हो किसी भी टाइप की कंपनी हो प्रोडक्ट हो वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि आज के टाइम पे हर एक मार्केटर हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है ब्यूटी प्यनर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है एस टी हु इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम्स गॉन बाय वो बहुत पहले क्या करती थी फेमसली सेड शी रिलाईड ऑन थ्री मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन टू बिल्ड हर मल्टी मिलियन डॉलर कॉस्मेटिक बिजनेस इनका जो कॉस्मेटिक का बिजनेस था वो इन्होंने मल्टी मीनियर कैसे बनाया सिर्फ तीन इनके कॉम्युनिकेशन के मेथड्स थे जिन पे ये ट्रस्ट करते थे पहला था ये खुद टेलीफोन पे दूसरा था टेलीग्राफ और तीसरा था टेल अ वूमेन मतलब ये तीन कम्युनिकेशन के मेथड्स को यूज़ करते थे अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए वो तीन मेथड्स थे टेलीफोन का यूज़ करते थे टेलीग्राफ का यूज़ करते थे मेल्स वगैरह भेजते थे और टेल अ वूमेन वर्ड ऑफ माउथ कि भी आप एक औरत को और बताएं ऐसे वाली जो मार्केटिंग होती है वुड नाउ हैव टू एड द इंटरनेट वेयर द कंपनीज ऑफिशियल साइट डिस्क्राइब न्यू एंड ओल्ड प्रोडक्ट अनाउंसेज स्पेशल ऑफर्स एंड प्रमोशंस एंड हेल्प कस्टमर्स लोकेट स्टोर्स वेयर दे कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स लेकिन आज के टाइम पे उन्होंने भी अपनी कम्युनिकेशन के मेथड्स में इंटरनेट को ऐड कर लिया इंटरनेट को ऐड करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई जो उनके नए और पुराने प्रोडक्ट्स को दिखाता है स्पेशल ऑफर्स या प्रमोशंस जो चल रहे हैं उनको दिखाता है और कहाँ कहाँ कंज्यूमर्स उनके स्टोर्स को लोकेट कर सकते हैं वो भी उनकी वेबसाइट पर डाला हुआ है क्लियर तो आप इंटरनेट की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि भी डिसएडवांटेजेस कम हैं एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और एक पॉपुलर जो कॉस्मेटिक का ब्रांड है वो पहले सिर्फ तीन कम्युनिकेशन के मेथड्स को यूज करता था वो भी अब इंटरनेट को यूज करने लगा है इंटरनेट को ऐड कर दिया उसने भी मार्केटर्स मस्ट गो वेयर द कस्टमर्स आर एंड इंक्रीजिंगली दैट्स ऑनलाइन ये कह रहा है मार्केटर्स को वहीं होना चाहिए जहां आजकल कंज्यूमर्स है और कंज्यूमर्स कहाँ हैं आजकल ऑनलाइन तो इसलिए आपको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स की कम्युनिकेशन के लिए ऑफ द टाइम यू एस कंज्यूमर स्पेंड विद ऑल मीडिया ऑलमोस्ट हाफ इज स्पेंड ऑनलाइन ये कह रहा है अगर हम ये देखें कि यू एस के जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना ऑलमोस्ट टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं तो उसमें से आधा टाइम वो ऑनलाइन स्पेंड करते हैं ये एक इन्होंने फिगर दे रखा है आप इसको देख सकते हैं टी वी पे फोर पॉइंट टू एट अदर डिजिटल पे इतना डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे इतना रेडियो पे न्यूज़पेपर पे मैगजीन पे अदर्स पे और मोबाइल्स पे ये उनका टाइम है शेयर ऑफ टाइम स्पेंड पर डे विद मेजर मीडिया बाय यूएस एडल्ट्स यूएस के एडल्ट्स कहां कहां अपना टाइम स्पेंड करते हैं क्लियर कस्टमर्स डिफाइन द रूल्स कस्टमर क्या कर रहा है रूल्स को डिफाइन कर रहा है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कैसे उसको एंगेज होना है वेबसाइट पर जाएगा सर्च एड्स के थ्रू जाएगा डिस्प्ले के थ्रू जाएगा डिस्प्ले एड्स के थ्रू या ई मेल्स के थ्रू कस्टमर डिफाइन करता है कि भी वो एंगेज किस मेथड के थ्रू होगा हाउ एवर एंड इंसुलेंट दैम सेल्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स एंड इंटरमीडिएटरीज इफ दे सो चूज लेकिन अगर वो चाहें तो अपने आप हेल्प भी मतलब ऑनलाइन का जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन के थ्रू ही जाएँ अपनी एंगेजमेंट ऑनलाइन के थ्रू ही करें अगर कंज्यूमर चाहे तो वो एजेंट्स की और इंटरमेडिटरीज जो हैं उनकी हेल्प भी ले सकता है क्लियर दे डिफाइन वट इन्फॉर्मेशन दे नीड वट ऑफरिंग्स दे आर इंटरेस्टेड इन कंज्यूमर ही बताता है कि भी किस टाइप की इंफॉर्मेशन उसे चाहिए किस ऑफरिंग्स में वो इंटरेस्टेड है वट दे आर विलिंग टू पे और क्या वो पे करने के लिए रेडी है क्योंकि जैसे ही वो ऑनलाइन किसी भी हमारी कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्ट में आता है तो हम उसके डाटा को क्या कर लेते हैं मॉनिटर कर लेते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जैसे सर्च एड्स हैं या वेबसाइट पे अगर वो आता है तो हमें पता चल जाता है किस चीज़ को उसने सर्च किया किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है व्हाट ऑफरिंग्स दे आर इंटरेस्टेड इन किस चीज़ ऑफरिंग्स में किस प्रोडक्ट्स में उसका इंटरेस्ट है क्या वो पे करने के लिए रेडी है मान लो मैंने अंडर नाइन्टी आर्टिकल डाला या अगर हम फ़िल्टर लगा दें जो कस्टमर है वो फिल्टर लगा दें प्राइज़ वाला कि मुझे अंडर थाउजेंड चाहिए तो वहाँ से हमें पता चल गया वट दे आर विलिंग टू पे क्या किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है कितना वो पे करने के लिए रेडी है ये सारी चीजें हम ऑनलाइन मार्केटिंग में अपने कस्टमर्स की मॉनिटर कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन को डिजाइन कर सकते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूस टू शो मच मोर रैपिड ग्रोथ देन ट्रेडिशनल मीडिया अगर हम अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करें डिजिटल में तीनों आ जाएंगे ऑनलाइन भी आ जाएगा सोशल मीडिया भी आ जाएगा और मोबाइल भी आ जाएगा उन तीनों ने जितनी ग्रोथ करी है वो ट्रेडिशनल मीडिया जो हमारे पहले एडवर्टाइजमेंट चलती थी न्यूज़पेपर चलती थी उससे बहुत रैपिड की है इनफैक्ट टोटल डिजिटल एड स्पेंडिंग टोटल लोगों ने जो मार्केटर्स हैं उन्होंने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे कितना स्पेंड किया है 42.8 बिलियन डॉलर्स उन्होंने स्पेंड किए हैं जिसको टीवी को टीवी एडवर्टाइजमेंट को पीछे छोड़ दिया टीवी पे 40 बिलियन डॉलर्स थे लेकिन डिजिटल पे कितने स्पेंड हुए हैं 42.8 बिलियन डॉलर्स मार्केटर ने स्पेंड करे हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे और अगर उसमें से भी देखा जाए तो सर्च एड्स पे 43% परसेंट है जो डिस्प्ले रिलेटेड एड हैं उन पर थर्टी है ये डाटा दे रखा है ये कोई काम का नहीं है क्लियर और मोर ब्रांड्स आर बींग बिल्ड बाय ऑनलाइन मीन्स और आज के टाइम पे बहुत सारी ब्रांड्स तो ऐसी हैं जिनके आपको ऑफलाइन स्टोर्स तो मिलेंगे नहीं वो ब्रांड्स ही कैसे क्रिएट हुई हैं या डिवेलप हुई हैं वो ऑनलाइन मीन्स के थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं सिर्फ ऑनलाइन ही आप उनके प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सकते हैं ऑफलाइन आपको कोई भी स्टोर नहीं मिलेगा तो बहुत सारी ब्रांड्स तो आजकल ऑनलाइन के थ्रू ही डेवलप या बिल्ट हुई है उनका कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है तो आप इंटरनेट की पावर देख सकते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग की पावर देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव ये है उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑप्शंस कि हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं वो चारों मैं आपको बता चुकी हूँ वेबसाइट्स सर्च एड्स डिस्प्ले एड्स और ई ये चार ऑप्शन हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कॉम्युनिकेशन करने के लिए क्लियर अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिशा क्लासेस और आप सभी व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मार्केटिंग की प्ले आप विजिट कर सकते हैं फ़िलिप कोटलर की बुक के लिए वहाँ मैं फिलिप कोटलर की बुक को लाइन टू लाइन कवर करवा रही हूँ और फिलिप कोटलर की बुक के आठ चैप्टर्स मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं आठ चैप्टर्स बहुत बड़ी बात है आपको पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो फिलिप कोटलर की बुक का जिसने एक भी चैप्टर लाइन टू लाइन ऐसे डिटेल में कवर करवा रखा और मेरे चैनल दिशा क्लासेस पर आपको फिलिप कोटलर की बुक के आठ चैप्टर्स मिलेंगे और ऐसे ही बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको मिलेंगे मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें अपने बिजनेस के पर्पज़ से और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेज एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग